हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ट्वेल्थ क्लास का है। ट्वेल्थ क्लास का ये क्वेश्चन हमें एक बच्चे ने भेजा हुआ है, इसे देख लेते हैं। देखिए, ये है वाई इज इक्वल टू आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स, और ये वाला रिजल्ट हमें जो है प्रूव करना सिंपल है, डिफ्रेंशिएशन करना है दी गई इक्वेशंस का। ओके, तो देख लेते हैं। गिवेन है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स का जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये होता है अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वेयर। क्या होता है? वन माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए, वन माइनस एक्स स्क्वेयर की बात आती है यहाँ पर, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर लिख सकता हूँ कि देखिए जो अंडर रूट की वैल्यू होती है उसकी जो पावर होती है वो होती है होल में वन बाई टू। तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन बाई टू। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो ये वाला रिजल्ट आपका हो जाएगा। अगेन आप देखेंगे, मैं अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, जब मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट द्वारा डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा इसका माइनस का वन बाई टू हो जाएगा, और जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी एक कम हो जाएगा, यानी कि वन कम हो जाएगा इसमें से, तो माइनस का थ्री बाई टू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस का थ्री बाई टू। ओके, जब ये एक्स नहीं है, एक्स की जगह का अदर है, तो मैं अदर इसका बेस का डिफरेंशिएशन अगेन करूँगा तो ये आएगा ज़ीरो माइनस टू एक्स। क्या आ जाएगा? टू एक्स, ये वाली वैल्यू आएगी। टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये वाली वैल्यू देखें, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस थ्री बाई टू। ओके, इसे मैं जो लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ एक्स अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, यानी कि इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ, राइट ना? सॉरी, वन बाई टू हो गया, यहाँ होल स्क्वेयर नहीं आएगा, केवल यही टर्म आएगा। ओके, इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि इस वाली वैल्यू को तो आपने डी वाई अपॉन डी एक्स कह रखा था, ये रहा, यहाँ पर आपने इसको डी वाई अपॉन डी एक्स कह रखा था। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए फर्स्ट है ये, क्या मान लीजिए फर्स्ट, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, आपको जो मिला वो होगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, और यहाँ पर जो मिला वो होगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, ये वाली वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस, देखो माइनस इस वाली पूरी वैल्यू को आप इधर लेंगे माइनस, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्व टू जीरो। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7500 पर, 7500410322 पर, इस पर व्हाट्सएप करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।